तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत। बैठो बैठो। थैंक यू सर। क्या आयुष, ये पेपर का कचरा मुझे ही मार रहे हो? मेरे ही संस्कार कम हो गए लगता है। सॉरी सर। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकतें होना नहीं चाहिए। ओके सर। तो बच्चों, आज का दिन कुछ स्पेशल है। आज विद्यालय में डिप्टी साहब मुआयना करने आ रहे हैं। अरे, आज तो वाट लगने वाली है। मैं होमवर्क भी नहीं करके आया। और मैं तो बुक भी नहीं लाया। और मैंने भी कहा लाया। चुप बैठो, ज्यादा बातें मत करो। अभी जो लाया उसी से काम चलाओ। तो बच्चों, डिप्टी साहब जो कुछ पूछे सबका सही जवाब देना। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए डिप्टी साहब, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बैठ जाओ बच्चों। मेरा नाम जय कुमार है। मैं आपसे अभी कुछ सवाल पूछूंगा। बच्चों, इस विद्यालय में आपको आना पसंद है? हाँ सर। बेटा, आप बताओ क्यों अच्छा लगता है? सर, यहाँ मुझे पढ़ाई के साथ जीवन जीना सिखाया जाता है। साथ रहना, खेलना, कूदना, सब कुछ यही होता है। मेरा विद्यालय मुझे बहुत पसंद है। सर, ये लड़का पढ़ाई में बहुत तेज है और वो स्कूल के सभी प्रतियोगिता में भाग लेता है। शाबाश बेटे। तो बताओ तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? सर। ठीक है, उसे बाद में पूछते हैं। बताओ बेटा, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी लोगों को घुमाते हैं। तुम्हारे पिताजी क्या पर्यटन मंत्री है? चुप, ऋषि को बताने दो। सॉरी सर। मेरे पिताजी रेल इंजन चलाते हैं। रात दिन की यात्रा बिना सोए पूरी करते हैं। लोगों को सही समय पर अपने स्थान पर पहुंचाते हैं। आप बताइए। मैं सर। हाँ, तुम ही। मेरे पापा इंजीनियर हैं। वे क्या इसके रेलवे का इंजन बनाते हैं? क्या हरकतें कर रहे हो? सॉरी सर। वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। शायद वे रेल का भी इंजन ठीक करते होंगे। बेटा तुम बताओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? सर, मेरे पिताजी राष्ट्र निर्माण करते हैं। अरे सर, ये तो मेरा ही लड़का है। अरे आपको तो बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था ना, आपका लड़का भी वैसा ही होगा। थैंक यू सर। तो आदर्श, बताओ तुम क्यों रो रहे थे? मेरे पिताजी एक सफाई कामगार है, वो अब अस्पताल में है। सर, 10 दिन पहले उसके पिताजी। कचरा दे दो कचरा। ये लो। अरे गीला सूखा अलग अलग करना चाहिए था ना। हमारे पास टाइम नहीं है। और हमारी भी तो तबीयत का ख्याल रखिए। तुम्हें हमारे सेक्रेटरी पगार दे रहे हैं ना, चलो जाओ अब। क्या औरत है। अरे हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखता। अरे रघु, बिल्डिंग का सारा कचरा लिया कि नहीं रहे? हाँ साहब, ले लिया, लेकिन कोई गीला सूखा अलग करके ही नहीं देता। अरे जाने दो उनका, वरना हमारा कॉन्ट्रैक्ट चले जाएगा। ए रघु, वो बाजू वाली बिल्डिंग का ड्रेनेज का पाइप चौपक हो गया है, तो उस मैनहोल में जाके उतर के इमरान के साथ वो साफ कर देना। हाँ साहब, अभी जाता हूँ। अरे इमरान, इधर आओ। घमेला और दोरी लेके
वो बिल्डिंग का मैनहोल साफ करने जाना है। खाना बाद में खाएंगे, पहले साफ करके आते हैं। अरे इमरान सुनो, मैं नीचे उतरता हूँ और तुमको मैं कचरा देते जाऊंगा, तो तुम बाहर रखकर उसको फेंक देना। सर वो मैनहोल में उतर रहे हैं तो आपने उनके लिए सेफ्टी का दिया कि नहीं, जैसे कि ग्लव्स और मास्क? क्या जरूरत है उसकी, अगर कोई हादसा हो गया तो? कोई हादसा नहीं होगा, पहले से ही हमें इतने पैसे नहीं मिलते और उन्हें ग्लव्स खरीद के दे। अगर उन्हें काम करना है तो वो करेंगे, या फिर हमारे पास और भी बहुत लोग हैं ये काम कर सकते हैं। अरे कुछ इंसानियत ही नहीं बचा है। किसे पूछूं है सा क्यों बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा, वक्त भी यहां है जाने की जीते हैं सपनी की आंखों में, लकीर जब छूटे ने हाथों से यूब बजा। ऐसी थी उनके पिताजी की दर्द भरी कहानी। सर क्योंकि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, सबके पेरेंट्स आपका लेक्चर सुनने बाहर आए हैं। तो आने दो, मैं उनसे तन मन की स्वच्छता के बारे में बात करता हूँ। नमस्ते सर। सर ये कॉन्ट्रैक्टर राज भास्कर, उनका बेटा प्रणव, ये सोशल वर्कर अवधूत वीर, उनका बेटा राकेश, और ये आदर्श की माँ। तो आदर्श के पिता की तबीयत कैसी है? उन्हें कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, शायद वो यहाँ आते हो। आपके बच्चे तो पढ़ने में होशियार है और मास्टर जी अपने काम में मास्टर है। तो आज हम तन मन के स्वच्छता के बारे में एक वीडियो देखेंगे। उनके कहने के अनुसार हम सब करते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, गर्दन सामने, आंखें बंद करके भी हम मन से विचारों से देख सकते हैं। बंद आंखों से देखो, दोनों पांव को देखो, बी देयर, रिलैक्स इट, कॉन्सेंट्रेट ऑन बैक, बी देयर, रिलैक्स इट, शांति शांति शांति, रिलैक्स योर फ्रंट, इसमें है हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, इंटेस्टाइन है और बहुत सारी चीज़ें, वो सारे हमारे दोस्त हैं।
कॉन्सेंट्रेट ऑन देम बाय माइंड। देखो इसमें जरा भी बिगाड़ हो गया तो हमारी जिंदगी खतरे में आती है। हम इस शरीर में रहते ना कि हम शरीर है, क्योंकि मरे हुए आदमी को भी हाथ पाँव नाक कान सारे होते हैं, लेकिन उनमें वो नहीं रहता। उसी तरह सभी शरीर के साथ हम हैं, ऐसे ये हम ना स्त्री है ना पुरुष, ना जात है ना धर्म, ना अमीर है ना गरीब, हमारे जैसा ही दूसरों का शरीर है। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर फेस, मुख आंखें देखो, रिलैक्स करो, नाक देखो रिलैक्स करो, कान देखो मन से रिलैक्स करो। नाक का मुख्य कार्य श्वास लेना है, ना कि समाज को दिखाने के लिए। आँखों का कार्य देखना है, उसकी सुंदरता नहीं, इसलिए कोई ना है काला गोरा भला बुरा कोई नहीं, हम सब योगी क्योंकि हम एक दूसरे की उपयोगी। सी टुवर्ड ब्रेन ए मैजिक बॉल सबका, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही तक का, उसका इस्तेमाल करके हम दुनिया में स्वर्ग नरक सुख दुख खुशी गम पैदा करते हैं। इसके नियम को समझा लेना चाहिए। एज यू थिंक सो यू बिकम, कोई ना स्त्री ना पुरुष, सब हम हैं एक जीवंत उपयोगी शक्ति। रिस्पेक्ट ईच अदर, तुम्हें सुखाने जगा इतरान्ना सुखाने जगू द्या। शरीर साक्षात परमेश्वर। अभी दीर्घ श्वास ले लो, छोड़ो, फिर एक बार ले लो, छोड़ो। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रेस्पिरेशन, श्वास के ऊपर ध्यान दे दो। टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू, ओपन योर आईज। डेप्यूटी साहब और गुरुजी, सच में हृदय परिवर्तन करने वाला प्रयोग, ह्यूमैनिटी के साथ साथ बच्चों के पढ़ाई के लिए भी ये प्रयोग काम में आएगा। इससे तन मन और वातावरण स्वच्छ होगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अगर मैंने उसी वक्त आदर्श के पिता को मास्क जूते हेलमेट कुछ कपड़े और एक टॉर्च दी होती तो आज वे अस्पताल में बीमार न होते। मुझे माफ कर दीजिए। आपके मन में सच में परिवर्तन हो गया है। हाँ, इसलिए मैं आज से उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मैं अपने सोशल संस्था की मदद से आदर्श की स्कूल की फीस भर दूंगा। आदर्श के पिता के आने पर यहाँ मैंने उनसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया और गीला और सूखा कचरा अलग करके नहीं दिया, और अब से मैं किसी भी सफाई कामगार के आने पर मैं उन्हें गीला और सूखा कचरा अलग करके दूंगी और ई वेस्ट को मैं खुद जाके पीले डब्बे में डालूंगी। अरे आदर्श के पिता, आप आइए आइए। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और वो प्रवचन भी जो गुरुजी दे रहे थे वो भी सुना। से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं शराब और बीड़ी का सेवन नहीं करूँगा। अब से मैं मेरी सेहत और मेरे दोस्तों की सेहत का ख्याल रखूँगा। गुरुजी, आप सभी लोग हम जैसे गरीबों के लिए इंसान नहीं भगवान हैं। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ बनाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ।
श्रेष्ठ बनाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। अपनी मेहनत से इस जग में हम सिर मौर कहाएंगे। जंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। जंगलमय जीवन हो सबका ऐसी ज्योति जलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। कोई भी ना पीछे हो सब कदम से कदम मिलाएंगे। तन मन धन जीवन अर्पण कर भारत श्रेष्ठ